गौरव की डायरी के इन पलटते हुए पन्नों में चला चलेंगे उस दौर में जहां पर गुलजार साहब को अपनी हीरोइन तो मिल गई थी पर वो हीरोइन जरा घबराई घबराई घूम रही थी। बात है उस साल की जब फिल्म आंधी का निर्माण होना था और मुख्य भूमिका के लिए वैजयंतीमाला को अप्रोच किया गया। वैजयंतीमाला ने स्क्रिप्ट सुनी और गुलजार साहब की बहुत तारीफ भी की। बहुत अच्छे हो तुम। बात तकरीबन तय हो गई थी जब लगा कि इस फिल्म में मुख्य किरदार की कुछ बातें उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जिंदगी से जुड़ती हैं, तब वैजयंतीमाला ने इनकार कर दिया। मुझे ना ही शामिल करें तो अच्छा है। क्योंकि इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व का एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव था वैजयंतीमाला पर और वो कतई नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी फिल्म वो करें जिसके कुछ अलग मतलब भी निकाले जा सकते हों। पहले नहीं जानती थी लेकिन अब मालूम हो गया। लिहाजा फिल्म आंधी वैजयंतीमाला ने छोड़ दी और फिर वो भूमिका निभाई सुचित्रा सेन ने। अपने पति के साथ घूमना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। वो और बात है कि आंधी के रिलीज के बाद कंट्रोवर्सीज ने इसे जरूर घेर लिया था और शायद ये तमाम चीजें वैजयंतीमाला ने पहले ही भांप ली थीं। तुमने मुझे धोखे में क्या रखा। गौरव की डायरी के इन पलटते हुए पन्नों में ऐसी और भी अनोखी कहानियां आप तक पहुंचेंगी सिर्फ अल्ट्रा पर।